देवी का रूप होती है तथा कार्यक्रम में कन्या पूजन से देवी माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है तथा जिस कार्यक्रम में देवी माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है वह कार्यक्रम स्वयं भी सफल हो जाता है। अनुरोध करती हूँ कि वह मध्य प्रदेश गान के सम्मान में अपने
मध्य प्रदेश गान की इतनी सुंदर प्रस्तुति के बाद सुश्री सुहासिनी जोशी जी से पुनः अनुरोध करती हूँ कि वे देशभक्ति के प्रतीक राष्ट्रगीत की प्रस्तुति प्रस्तुत करें। कृपया सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अतिथि देवो भव की हमारी भारतीय परंपरा के अनुरूप आज के कार्यक्रम में पधारे सम्मान्य अतिथियों के स्वागत के लिए मैं महिला एवं बाल विभाग के आयुक्त श्री रामा राव जी भोसले सर से अनुरोध करती हूँ। आयुक्त महोदय, कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मैं सर से पुनः अनुरोध करती हूँ कि वे खेल एवं युवा कल्याण मंत्री माननीय यशोधरा राजे जी सिंधिया का स्वागत करें। मैं सृष्टि मालवीय कक्षा 10वीं मदर टेरेसा स्कूल की छात्रा हूँ और मैं हमारे प्रिय मामा जी की भी लाडली हूँ। मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मैं एक लाडली हूँ। माननीय मामा जी के द्वारा प्रारंभ की गई खेल एवं युवा कल्याण विभाग की माँ तुझे प्रणाम योजना के अंतर्गत मुझे और मेरे जैसे प्रदेश के अनेकों लाडलियों को अमृतसर अटारी बॉर्डर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्हीं में से एक मेरी लाडली मित्र सलोनी श्रीवास्तव जी को अमृतसर भ्रमण के संबंध में अनुभव साझा करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। मेरे प्यारे मामा जी एवं यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सलोनी श्रीवास्तव है और मुझे गर्व है कि मैं एक लाडली हूँ। पिछले वर्ष मुझे माँ तुझे प्रणाम कार्यक्रम के अंतर्गत बाघा बॉर्डर भ्रमण के लिए जाने का अवसर प्राप्त हुआ। जब मुझे पता चला कि मैं बाघा बॉर्डर भ्रमण के लिए जा रही हूँ, मैं खुशी से फूली नहीं समा रही थी। मेरे मन में बहुत उत्सुकता थी जानने की कि किस प्रकार सीमा की सुरक्षा करते हैं हमारे वीर सैनिक, वो वहाँ किन परिस्थितियों में रहते हैं। और मेरा सबसे बड़ा प्रश्न उनसे यह था कि इतनी देशप्रेम की भावना उनमें आई कहाँ से कि वो देश के लिए अपना सर्वत्र न्यौछावर करने के लिए तैयार थे। ऐसे कई प्रश्न थे मेरे मन में। फिर 2 मई 2022 को हमारी यात्रा प्रारंभ हुई। यहाँ मामा जी ने हमारा बहुत अच्छे से स्वागत किया और जब हम अमृतसर स्टेशन पहुँचे वहाँ पे भी हमारा बहुत अच्छे से स्वागत हुआ। सबसे पहले हमें भ्रमण के लिए गोल्डन टेम्पल लेके गए। जब मैं वहाँ पहुँची तब मेरे मन को बहुत शांति मिली और मैं आध्यात्मिक प्रार्थना में लीन हो गई। वहाँ जाके मैंने मध्य प्रदेश की खुशहाली, हमारे मामा जी के अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की भी प्रार्थना की। फिर अगले दिन हमें हुसैनीवाला बॉर्डर भ्रमण के लिए लेके गए। जब मैं वहाँ गई तो मैंने देखा कि किस प्रकार हमारे जो BSF के जवान हैं वो सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं। मैंने उन्हें काम करते हुए देखा और उन्हें देख के बस एक ही भावना आई कि अब बस देश के लिए कुछ कर गुजरना है। फिर मैंने वहाँ महिला BSF जवान थी उन्हें भी काम करते हुए देखा। मैंने उनसे प्रश्न पूछा कि मैम इतनी कठिन परिस्थितियों में आप यहाँ कैसे काम कर पाती हैं और सीमा पर डटी रहती हैं। तब उन्होंने जो जवाब दिया वो मुझे आज भी याद है। उन्होंने कहा कि किसी भी महिला के मजबूत हौसले और मजबूत इरादों से वो कठिन से कठिन काम भी कर सकती है। जैसे हम यहाँ सीमा पर रह के सुरक्षा कर रहे हैं, वैसे कई देशवासी हैं जो देश के अंदर रहकर देश की सेवा करते हैं। जब मैंने उनकी ये बात सुनी तब मुझे एहसास हुआ कि किसी भी महिला के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, चाहे वो कितना ही कठिन हो। फिर अगले दिन हमें जलियावाला बाग भ्रमण के लिए लेके गए। जब मैं जलियावाला बाग गई तब मेरे जहन में वो किताबों की वो लाइनें दिखने लगी जिनमें लिखा हुआ था कि किस प्रकार जनरल ओडायर ने बिना किसी सूचना के ओपन फायरिंग शुरू कर दी और कई सौ लोग मारे गए। उस घटनास्थल को साक्षात देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया और जो लोग मारे गए उनके बारे में सोचकर बहुत दुख भी हुआ। फिर मैंने ये सोचा कि जब घटना के इतने सालों बाद मुझे आज इतना गुस्सा आ रहा है तो जो स्वतंत्रता सेनानी रहे होंगे उन्हें कितना क्रोध आया होगा। और जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उधम सिंह, उन्होंने जो जनरल डायर को गोली मारी तो मुझे लगा वो सही किया। फिर हमें अटारी बॉर्डर भ्रमण के लिए लेके गए। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था। हम वहाँ गए, वहाँ बॉर्डर के उस पार पाकिस्तान था, बॉर्डर
बॉर्डर के इस पार हिंदुस्तान था, हजारों की भीड़ थी और भारत माता के जयकारे लगाए जा रहे थे जिसकी गूंज पाकिस्तान तक जा रही थी। वो भावना बहुत ही अच्छी थी और मुझे वहाँ पहुँच कर बहुत अच्छा लगा। वहाँ जाकर बिल्कुल ऐसा महसूस ही नहीं होता कि हम मध्य प्रदेश के हैं, कि हम गुजरात के हैं, कि हम पंजाब के हैं। वहाँ जाकर सिर्फ एक भावना आती है कि हम सब भारतीय हैं और ये भारत हमारा है। मेरी जो बहनें वाघा बॉर्डर भ्रमण के लिए जा रही हैं, मैं उन्हें ये संदेश देना चाहती हूँ कि आपको बिल्कुल चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वहाँ सभी जो टीचर्स आपके साथ जा रहे हैं, जितनी भी व्यवस्था है वो बहुत अच्छी है। वो आपको माता पिता की बिल्कुल कमी महसूस नहीं होने देंगे, आपका बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। मामा जी के प्रयासों से हमारी यात्रा इतनी मंगलमय रही तो मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ। और पूरे भ्रमण में खेल एवं युवा कल्याण द्वारा समस्त व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी। मैं माननीय मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी को भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमें ये अवसर दिया। बस मैं दो लाइनें कह के अपनी वाणी को विराम दूंगी कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, क्योंकि पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। धन्यवाद। अश्विनी साहू जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। मेरे प्यारे मामा जी और आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सुभाषी साहू है और मैं मैथ साइंस से कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। मामा जी, आपके आशीर्वाद से मैं लाली लक्ष्मी भी हूँ। मैं एक साधारण परिवार से हूँ जिसने हमेशा जलियांवाला बाग, इंडियन आर्मी और वाघा बॉर्डर जैसे फेमस स्पोर्ट्स को सिर्फ मूवीज और टीवीज में देखा हुआ है और इसके बारे में लोगों से सुना हुआ है। पर मामा जी, इन सब जगहों पे जाने का और इंडियन आर्मी को लाइफ अपनी आंखों से परेड करते हुए देखने का मेरा सपना था, जो कि अब मेरे प्यारे मामा जी द्वारा पूरा होने जा रहा है। यकीन मानिए मामा जी, जब मुझे पता चला कि मेरा सिलेक्शन माँ तुझे सलाम योजना के अंतर्गत वाघा बॉर्डर जाने के लिए हुआ है, तो मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। मैं बहुत ज्यादा खुश हुई। मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मैंने तुरंत कॉल करके अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को इसके बारे में बताया। मामा जी, ये 6 दिन मेरी जिंदगी के बेहतरीन दिनों में से एक होने वाले हैं, क्योंकि मैं मेरे प्रदेश की मेरे ही जैसी 120 लाड़ियों के साथ देश के ऐसे स्थान देखने वाली हूँ जो देशभक्ति और देश प्रेम के जज्बे से भरे हुए हैं, जहाँ शहीदों के बलिदान की कथा कण कण पर लिखी हुई है। हम उन सब जगहों पे जाएंगे और अपने इंडियन होने के प्राउड को और स्ट्रांगली फील करेंगे। मामा जी, मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब बेटियों के लिए ये एक लर्निंग और लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहेगा। हम में से हर एक का इस एक्सपोजर विजिट के बाद न सिर्फ आत्मविश्वास बढ़ेगा बल्कि हम सबके जीवन के निर्णय आसानी से ले पाएंगे और हम उन सभी लड़कियों के लिए एग्जाम्पल बनेंगे जो इस विजिट पर नहीं जा पा रही है। हम आकर उन्हें प्रेरित करेंगे। मामा जी, मैं बहुत बहुत खुश हूँ क्योंकि इसमें मेरी फैमिली को कोई भी फाइनेंशियल और मेरी सेफ्टी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने इन सब की बहुत बढ़िया व्यवस्था की है, हमारे आने जाने की, रहने खाने की और साथ ही गाइडेंस और मेंटर्स की भी एवन व्यवस्था की है। हम इनके साथ सेफली जाएंगे और सेफली आएंगे। मामा जी, मैं हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत साधुवाद और मुझे इतना अच्छा अवसर प्रदान करने के लिए खेल एवं युवा कल्याण विभाग की मंत्री श्री माननीय श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मामा जी, आपने बेटियों के प्रति लोगों की मानसिकता बदल दी है। आपने वो कर दिखाया है जो मैं अब इन पंक्तियों के माध्यम से आपको बताने वाली हूँ। कभी आद्र थे ये नयन, अब खुशी से दमकते हैं। कभी कुल्थित थे ये मन, अब खिलखिलाते हैं, चहकते हैं। टूट गए सब बंधन, लांग के ये घर आंगन। देखो आज हम बाघा की सरहद पर परवास करते हैं। कैसे सच होता ये सपना अगर आप ना होते मामा, इसलिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच मामा जी।
दिनांक 2 मई से 15 मई तक पूरे प्रदेश में लाडली उत्सव मनाया गया था। इस उत्सव में हुए कार्यक्रम एवं लाडली लक्ष्मी पर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है। लाडली लक्ष्मी उत्सव की जानकारी देने के लिए मैं महिला एवं बाल विकास विभाग की संयुक्त संचालक डॉक्टर प्रज्ञा अवस्थी मैम को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। मैं सम्माननीय अतिथियों से अनुरोध करती हूँ कि पहले पुस्तिका का वो कृपया विमोचन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री खेल एवं युवक कल्याण और वरिष्ठ अधिकारीगण, सारी प्रदेश की लाडली बेटियां, जो 2 मई को लाडली लक्ष्मी दिवस मनाया जाता है और 9 मई से 15 मई तक लाडली लक्ष्मी उत्सव प्रदेश में मनाया गया, उसकी पुस्तिका के विमोचन के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और उस पुस्तिका के बारे में संक्षेप में 2 से 2.5 मिनट के बीच में जो हम लोगों ने आज मध्य प्रदेश में उत्सव मनाया है उसका प्रतिवेदन आपके समक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी मैं रखना चाहती हूँ कि 9 मई से 15 मई तक आपके निर्देशों पर लाडली लक्ष्मी उत्सव प्रदेश भर में मनाया गया और उसके बाद आप ही के निर्देश पर लाडली लक्ष्मी क्लब जो मध्य प्रदेश में बनाए गए हैं जहां बेटियां अपनी बात कर सकें, अब तक परियोजना स्तर पर 348 और ग्राम स्तर पर 27,461 क्लब बने हैं जहां बेटियां अपनी बात करेंगी, अपनी बातों को साझा करेंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे कि प्रदेश में ग्राम पंचायतों को लाडली फ्रेंडली घोषित किया जाए, आपके अनुकूल ग्राम पंचायतें बने, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि प्रदेश में 2,301 ग्राम पंचायतें लाडली लक्ष्मी फ्रेंडली हो चुकी है, जहां पर या टीकाकरण प्रॉपर हुआ हो, जहां पे बच्ची को पोषित नहीं है, जहां पे शाला में 100% प्रवेश है, बाल विवाह नहीं हुआ है और हम इस क्रम में आगे भी सारी ग्राम पंचायतों को लाडली फ्रेंडली घोषित कर रहे हैं। इसके पश्चात 11 मई का दिन था इन बेटियों के लिए डिजिटल और फाइनेंशियल साक्षरता का। प्रदेश में 35,000 बालिकाओं को डिजिटली और फाइनेंशियली प्रशिक्षित किया गया, साथ ही 30,000 बालिकाओं को साइबर क्राइम की ट्रेनिंग दी गई। 12 मई को प्रदेश की लाडली बालिकाओं के लिए वृहद स्तर पर स्वास्थ्य परीक्षण मध्य प्रदेश के सभी जिलों, सभी गांव और सभी परियोजनाओं में आयोजित किए गए। बेटियां विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी, कार्यप्रणाली जान सकें और खुद की पहुंच उन तक पहचान सकें, इसलिए बैंक, एटीएम, डाकघर, थाना और विभिन्न शासकीय कार्यालयों का उनको भ्रमण कराया गया ताकि वो उनसे परिचित हो सके, उनकी कार्यप्रणाली जान सके। 14 मई का दिन था ईकेवाईसी का। प्रदेश की 5,432 कैंप प्रदेश में आयोजित किए गए और 53,686 बालिकाओं का ईकेवाईसी उसी एक दिन में कराया गया। उत्सव के 6 दिन 15 मई को शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त 195 बालिकाओं को औद्योगिक क्षेत्रों का जैसे स्पिनिंग मिल, वर्धमान नेटिंग मिल और ऑयल फैक्ट्री, सांची दुग्ध संघ, सहकारी दुग्ध संघ, सीमेंट फैक्ट्री, इस तरीके से हैंडलूम पार्क और बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया का भ्रमण कराया गया ताकि आप यदि कोई उद्योग आगे शुरू करना चाहती हैं तो आप उसकी वर्किंग को, उसकी कार्यप्रणाली को जान सकें। और औद्योगिक क्षेत्रों के अतिरिक्त प्रदेश की लाडली बालिकाओं को परियोजनाओं, ऐतिहासिक स्मारकों, हवाई अड्डा, दर्शनीय स्थलों, म्यूजियम, इन सबका भ्रमण कराया गया। इन 7 दिवसीय उत्सव में हमने प्रदेश भर में उत्सव के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सारी गतिविधियां आयोजित की और उसी का एक चरण है मां तुझे प्रणाम, जो आज का ये कार्यक्रम है और इसमें खेल विभाग के अमूल्य सहयोग से प्रदेश की बेटियों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पूर्व वर्ष की तरह इस बार भी हम दोबारा ले जा रहे हैं और प्रदेश के हर जिले की कुल मिलाकर 127 बालिकाएं इस बार वाघा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भ्रमण करेंगी और अगले वर्ष इसी तरह से हम लोग फिर मिलेंगे। और ये रहा था सर हमारे लाडली लक्ष्मी उत्सव का प्रदेश भर में जो आयोजन हुआ उसका एक समक्ष में संक्षिप्त प्रतिवेदन आपके समक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद। विगत वर्ष प्रदेश के कोने कोनों से आई अनेकों लाडलियों को अमृतसर, बाघा बॉर्डर, अटारी बॉर्डर, गोल्डन टेम्पल आदि की यात्रा खेल एवं युवा कल्याण विभाग की मां तुझे प्रणाम योजना के अंतर्गत कराई गई थी। इस विभाग की मुखिया माननीय मंत्री महोदय को मैं समस्त लाडली लक्ष्मियों की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ और माननीय मंत्री महोदय जी ने जो हमें बहुत प्रेरणादायक उद्बोधन दिया उन्हें उसके लिए भी लाडली बालिकाओं की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं हम सब लाडलियों के प्रिय मामा जी ने जो लाडली लक्ष्मी योजना का जो सपना देखा उसे साकार किया। आज इस योजना कि अन्य प्रदेशों में भी तारीफ की जा रही है। ऐसे हैं हमारे मामा जी के को बड़े आदर और सम्मान से मैं उनको उनके उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद।
मध्य प्रदेश की खेल युवक कल्याण और तकनीकी शिक्षा मंत्री आदरणीय श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी, भोसले जी, रवि जी, यहाँ उपस्थित सभी अधिकारीगण और मेरी लाडली भांजियों, बताओ मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी का पल कौन सा होता है? जोर से बोलो, जब मेरी बेटियां मुझसे मिलती है। अभी मैं देख रहा था किताब, एक छोटा सा फोटो है इसमें, एक बहुत प्यारा फोटो है इसमें, ये फोटो देखो, ये लाडली लक्ष्मी है। तुम भी जब बहुत छोटी छोटी थी तो हो सकता है किसी बेटी को मैंने गोद में उछाला हो, फिर गोद में लिया हो, खूब लाड़ किया हो। सच में मेरे लिए सबसे सुंदर और खूबसूरत पल वही होता है जब मैं अपनी लाडली लक्ष्मी बेटियों के साथ होता हूं। और ये इसलिए होता है कि एक फैसले ने, एक योजना ने बेटियों की जिंदगी बदली है और बेटियों के प्रति जो दृष्टिकोण था समाज का, उस दृष्टिकोण को बदल के रख दिया है। एक जमाना था जब मां की इच्छा होती थी पैदा हो तो बेटे ही पैदा हो। हर एक मां की, मैं हर एक की नहीं कहता लेकिन ज्यादातर ये होता था, घर में बेटे आए। बेटा मतलब कुल का दीपक, बेटा मतलब बुढ़ापे की लाठी का सहारा, और बेटी मतलब बोझ। और ये चीज मन को बहुत तकलीफ देती थी, बहुत तकलीफ देती थी कि बेटा बेटी में भेद क्यों आखिर, भगवान ने तो दोनों को बनाया। मेरी प्रिय बेटियों, जब विज्ञान ने प्रगति की और ये पता लगने लगा आने वाला बेटा है कि बेटी है, तो इतना अन्याय भी हुआ कि बेटा हो तो दुनिया में आने दिया जाए और बेटी हो तो कोख में ही मार दी जाए। बड़ी त्रासदायी स्थिति थी। और तब मन की वेदना से एक ही विचार मेरे मन में आया, अब तुम बड़ी हो गई इसलिए समझ सकती हो कि बोटी बेटी बोझ ना रहे, बेटी को वरदान बनाना चाहिए। बोझ क्यों रहे बेटियां, बोझ है भी नहीं। अरे बेटियों के बिना तो सृष्टि नहीं चल सकती, दुनिया नहीं चल सकती। बेटियां कितने क्षेत्र में अलग अलग आगे बढ़ के काम कर रही हैं। यहां यशोधरा जी बैठी हैं, अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का इतना सुंदर आयोजन किया कि मन गदगद प्रसन्न हो जाता है। गर्व से हर क्षेत्र में बेटियां नए कीर्तिमान स्थापित कर रही। बेटियां कम थोड़ी है, बेटी आज चार कदम आगे है। और इसी वेदना में से मैं खूब सोचता रहा क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो मेरे दिमाग में यह बात आई कि ऐसा करें कि बेटी पैदा हो तो लखपति हो, एक आइडिया आया क्या करना चाहिए, तो बेटी को लोग बोझ ना माने। तो मुझे लगा कि बेटी अगर पैदा होते ही लखपति हो जाएगी तो मम्मी पापा सोचेंगे आने तो यार बेटी को। और इसलिए यह योजना बनी कि बेटी के जन्म लेने के बाद उसके नाम से 30,000 रुपए के बचत पत्र उसके नाम से जारी कर देंगे। और फिर पढ़ाई से जोड़ा गया योजना को, क्योंकि बेटियां पढ़ना भी चाहिए, पढ़ना चाहिए कि नहीं। अरे आप लाडली लक्ष्मी योजना कौन से सन में बनाई, कोई बताए ना, सबको बताए। अच्छा एक बताओ, लाडली लक्ष्मी बेटी को शिक्षा में और बाकी क्या लाभ मिलेगा, एक बताओ। माइक माइक दो आदमी, बेटियों की परीक्षा लेता हूं, कोई भी हाथ खड़ा करो बताओ। कॉलेज की फीस भी दी जाएगी, स्कॉलरशिप भी दी जाएगी और पढ़ाने तक का पूरा खर्च
भी दिया जाएगा जिससे कि मम्मी पापा को मतलब बेटियां बोझ नहीं लगेंगी, पढ़ने तक में सफलता मिलेगी उन्हें। थैंक यू। वेरी गुड। और कोई जोड़ना है? हाँ बेटी। नमस्कार मामा जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो ये योजना चलाई है इससे हम सभी बेटियों का मतलब बहुत बहुत हेल्प हुई है इससे। और ये जो योजना है इसके तहत जैसे कि बताया कि 21 साल में हमें 1,00,000 रुपए दिए जाएंगे, तो जैसे कि हम आगे जाके कॉलेज करना चाहते हैं, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, परिवार वाले नहीं करवा पा रहे हैं, तो हम इस पैसों से अपनी पढ़ाई आगे कर सकते हैं। और जैसे कि 11th-12th में भी हमें 6,000-6,000 रुपए आते हैं और 9th में भी हमारे 2,000 रुपए आते थे, तो इससे भी हमारी हेल्प हो रही है। जैसे कि हम आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं तो हमारी जो बुक्स हैं, कॉपी हैं, उनके जो पैसे हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं, तो इससे हम अपने लिए कुछ कर सकते हैं, वो बुक्स खरीद सकते हैं। तो इसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। देखो सोचा कि बेटियां पढ़े तो 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2,000 रुपए मिल जाए। अच्छा मैंने मम्मी पापा को भी ललचाया थोड़ा सा क्योंकि सीधे 21 साल में मिलते तो सोचते पढ़े नहीं पढ़े मिल ही जाएंगे, लेकिन अपन ने शर्त डाल दी कि 5वीं पास करके 6वीं में जाएंगे तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएंगे तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 6,000, 12वीं में फिर 6,000। अब कॉलेज में कोई बेटी गई अभी कि नहीं? कॉलेज वाली हाथ उठा। अभी 3 बेटियां मेरी कॉलेज में पढ़ गई, 3-4। अब कॉलेज में अगर जाएंगी एडमिशन लेती 12,500। डिग्री लेते ही फिर 12,500। अच्छा तुम मैं से ये बताओ डॉक्टर कौन कौन बनना चाहते हो? अब हाथ नीचे करो। इंजीनियर कौन कौन बनना चाहते हो? मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं कि तुम्हारे भविष्य को मैं पूरी तरह से सिक्योर करना चाहता हूं, पूरी तरह से सुरक्षित। और इसलिए अब हमने फैसला किया है कि लाडली लक्ष्मी बेटियों का एडमिशन अगर मेडिकल कॉलेज में होगा, चिन्हित इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा या और कहीं उच्च शिक्षण संस्थान में IIT वगैरह में होगा, तो मेरी ये बेटियों इसकी चिंता भी मत करना, ये फीस भी मामा भरवाएगा, मम्मी पापा नहीं। और मैडम मैं खेलने कूदने की भी कोई योजना इनकी बना दो, उसमें कोचिंग ट्रेनिंग बाकी कोई चीज। क्योंकि बेटियां पढ़े भी और खेले कूदे भी। देखिए बेटियों को भी स्वतंत्र आकाश में उड़ान भरने दो, उनका भी दिल होता है, सपने होते हैं। अपने यहां बेटियों को ऐसा बना दिया एक जमाने में, बेटियां अपनी योग्यता के अनुसार आगे बढ़े, खेले कूदे और देश की दे रही योगदान, देश की प्रगति में, प्रदेश की प्रगति में योगदान दे। और लाडली लक्ष्मी केवल योजना नहीं है, बेटी लाडली लक्ष्मी एक ब्रांड है बेटियों की सशक्तिकरण का। सशक्तिकरण तुमको दिखाना है करके लाडली लक्ष्मी है तो जरा हटके, पढ़ाई में भी आगे, खेलों में भी आगे, इनोवेशन में भी आगे। मैं चाहता हूं तुम ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में जाएं बेटियां, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, साइंटिस्ट, स्पोर्ट्समैन। कुछ बेटी अपने स्टार्टअप्स वगैरह शुरू करे बाद में, अभी नहीं कर रहा, अभी 12th में, तो 12th की एजेंसी नहीं होती, लेकिन उसके बाद इंडस्ट्री डाले, बड़े सपने देखो। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से तो उड़ान होती है। जो जैसा सोचता और करता है वो वैसा बन ही जाता है, तुम जो चाहोगे बन जाओगे, बस भरोसा रखो। मैं
लाडली लक्ष्मी हूं, मामा की लाडली, मैं ये बन के दिखाऊंगी। ये संकल्प अगर मन में ले लिया तो बड़े से बड़े पदों पर पहुंचोगी, बड़े से बड़ा काम करोगे। देखो जिंदगी का मतलब क्या है, एक उद्देश्यपूर्ण और सार्थक जीवन जीना, एक अच्छी जिंदगी, और अच्छी जिंदगी भी ऐसी जो उद्देश्यपूर्ण। अपने लिए तो सब जीते हैं जी, कीट पतंगे पशु पक्षी भी जीते हैं, अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने साथ साथ औरों के भी काम आए, देश समाज अलग अलग क्षेत्रों में बढ़िया काम करें। जब कोई लाडली लक्ष्मी ऐसी सफलता हासिल करेगी तो सबसे ज्यादा खुशी अगर होगी तो तुम्हारे मामा को होगी। मैं गर्व से कहूंगा ये मेरी लाडली, मेरी प्री बेटियों, खूब आगे बढ़ो, बड़े सपने देखो, साकार करने का प्रयास करो, देश को और दुनिया को दिखा दो कि बेटियां किसी से कम नहीं है। तुम्हारे मम्मी पापा गर्व करें तुम पे, ये हमारी बेटी। मध्य प्रदेश गर्व करे तुम पे, और मैं भी दुनिया को बता दूं कि देखो ये है लाडली लक्ष्मियां जिन्होंने नया इतिहास रच दिया। मेरी जिंदगी भी सिर्फ सफल हो जाएगी, मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो जाएगा। बाघा बॉर्डर जाओ, एक्सपीरियंस होता है, जैसा आपको बता रही थी बेटी, चीजें समझो कैसी कितनी कठिन परिस्थितियों में अपनी फौज अपने सैनिक देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। हमने तय किया था कि अपने गांव की माटी ले जाके उन सैनिकों को हम तिलक करेंगे, आभार प्रकट करेंगे देश की सुरक्षा के लिए, और बॉर्डर की माटी लाना और अपने गांव के लोगों का तिलक करना कि हम बाघा बॉर्डर गए थे देशभक्ति के भाव से निकल गए। अनंत शुभकामनाएं, खूब आगे बढ़ती जाओ, मामा की दुआएं तुम्हारे साथ है, धन्यवाद। धन्यवाद मामा जी। भारत का राष्ट्रीय ध्वज हमारी शान है, हमारी इस यात्रा को गौरवान्वित बनाने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इस यात्रा के दल प्रभारी को राष्ट्रीय ध्वज सौंपने का विनम्र अनुरोध करती हूँ। मेजबान बैठ के, बैठ के बैठ जाइए, बैठ के करिए। भारत का राष्ट्रीय ध्वज हमारी शान है, भारतीयों का अभिमान है। मैं पुनः सुश्री सुहासिनी जोशी जी से पुनः अनुरोध करती हूँ कि वे देशभक्ति के प्रति राष्ट्रगीत की प्रस्तुति प्रस्तुत करें। धन्यवाद। Thank you.
छोटा सा अनुरोध है, जब आप अमृतसर जाएंगी तो वहाँ पे आप काफी नई चीजें सीखेंगी, काफी चीजें एक्सपीरियंस करेंगी, लेकिन वहाँ पे आप मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रही होंगी, तो मध्य प्रदेश को आप जब रिप्रेजेंट कर रही होंगी, आप लोग आप काफी लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, आप मिलेंगे, तो वहाँ पे हमें हमारी मध्य प्रदेश की तारीफ करना है, क्योंकि आप मध्य प्रदेश की लड़कियां हैं। छोटा सा अनुरोध है, मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रही है, आप मध्य प्रदेश की लाड़ियां हैं, तो आपको मध्य प्रदेश की संस्कृति को भी वहां पे रिप्रेजेंट करना है। धन्यवाद। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सम्माननीय अतिथिगणों एवं हम सब लाड़ियों के साथ इन पलों की स्मृति को सजोए रखने के लिए ग्रुप फोटो का अनुरोध करूंगी। कृपया कर लाड़ियां एक एक रो से आकर हमारे माननीय सम्माननीय अतिथिगणों के साथ फोटो खींचें। धन्यवाद। जैसे जैसे लाड़ियों का ग्रुप फोटो होता जा रहा है, वैसे वैसे वो लाड़ियां लाइन से अपनी बसों पर सवार हो जाएं। धन्यवाद। Thank you.
आप आए तो माहौल में खुशियां छा गई। आपकी खुशियां श्रद्धा के बीच चला गया। जैसा कि सारी लाड़ियां अभी अमृतसर का टूर करने वाली हैं, तो वहां पर उन्हें गोल्डन टाइम बेटी को ये कोई स्कूल बाध्य नहीं कर सकता कि वो कोई ऐसी चीज पहने जो उनकी परंपरा में नहीं है। मामला मेरे संज्ञान में आया है दमोह के एक स्कूल का और मैंने जांच के निर्देश दिए हैं और जांच के बाद तथ्यों के आधार पर फिर हम कार्रवाई करेंगे।